बंगाली नववर्ष के उपलक्ष पर आज प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बिलासपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कालीबाड़ी में आयोजित बंगाली समाज नववर्ष कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दी। इस दौरान प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने भाजपा और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पर जमकर हमला बोला। मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा के शासनकाल में सड़क मार्ग से बस्तर नहीं जा सकते थे, लेकिन आज बस्तर आप सड़क मार्ग से जा सकते हैं। भाजपा के सदस्य केवल राष्ट्रीय राजमार्ग के 5 किलोमीटर के दायरे में ही सरकार थी। 15 साल तक बस्तर में नक्सलियों के कब्जे में रहा है, हमारी सरकार ने उसको मुक्त किया। 500 से ज्यादा गांव हमने नक्सलियों से मुक्त कराए, नक्सलियों को पीछे धकेला। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पर हमला करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि रमन सिंह को कुछ नहीं आता है, वह कुछ का कुछ बोलते रहते हैं। रमन सिंह अपनी चिंता करें, अपनी पार्टी की चिंता करें। आदिवासियों और आदिवासी नेताओं की दुर्गति रमन सिंह ने की, अब अकेले रेणुका सिंह बच गई हैं। रामविचार, नंदकुमार, विष्णुदेव साय जैसे आदिवासी नेताओं को रमन सिंह और भाजपा ने पीछे धकेल दिया है। रमन सिंह को कुछ समझ आता नहीं है, वो कुछ का कुछ बोलते रहते हैं। रेणुका सिंह ने ये कहा है कि सरगुजा कमजोर हो चुका है, टीएस बाबा कमजोर हो चुके हैं, वहाँ पर नेतृत्व विहीन हो चुका है। वो अपनी चिंता करें, अपनी पार्टी की चिंता करें। और आदिवासियों की जो दुर्गति, आदिवासी नेताओं की दुर्गति जो रमन सिंह ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया है, अब अकेले रेणुका सिंह बच गई है। बचत राम विचार नेताम, नंद कुमार साय, ननकी राम कंवर, विष्णुदेव साय, वो सबको पीछे धकेलने का काम रमन सिंह और भारतीय जनता पार्टी ने किया। बिलासपुर से अमित पाटले की रिपोर्ट।